हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम इस वीडियो में हर्शे एंड चेज के नियम के बारे में ठीक ना पढ़ेंगे। हर्शे और चेज ने क्या कहा था और किस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया था डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया था, साथ साथ में बैक्टीरिया लिया था। उन्होंने दो चीज़ों को लिया था जिसकी वजह से उन्होंने सिद्ध किया था डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन डीएनए अनुवांशिक पदार्थ पूर्ण रूप से सिद्ध होने के पहले कुछ आलोचनाएं हो रही थी। आलोचना क्या हो रही थी, कुछ चर्चाएं हो रही थी, बल्कि ठीक है ना, चर्चाएं क्या हो रही थी अब सुनिएगा थोड़ा सा। उसमें ये माना जा रहा था ठीक है ना कि जो आपका प्रोटीन है और डीएनए आपका चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन किससे, बेस, तो इसलिए माना जाता था कि प्रोटीन ज़्यादा जटिल है, इसलिए प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है बल्कि डीएनए नहीं है। लेकिन जब एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी तीनों साइंटिस्टों ने सिद्ध किया डीएनए अनुवांशिक पदार्थ हैं ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये समझ लीजिए ज़्यादातर वैज्ञानिक फिर डीएनए के पक्ष में चले गए। लेकिन कुछ भी वैज्ञानिक अभी भी नहीं मानने को तैयार थे। उन वैज्ञानिकों को समझ लीजिए मनाने के लिए हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, बात समझ में। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने सिद्ध किया था डीएनए अनुवांशिक पदार्थ। सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था अब सुनिएगा ध्यान से। पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सल्फर होता है, सल्फर 35 जो होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। और आपको ये याद रखना है फॉस्फोरस 32 ये किस में पाया जाता है, ये डीएनए में पाया जाता है। इतनी बात सुन रहे। अब ये S-35 जो है ये क्या है, रेडियो धर्मी के, ये कहा है रेडियो एक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, ये कहा है रेडियो एक्टिव है ठीक ना। और ये भी क्या है, ये भी रेडियो एक्टिव है ठीक ना, ये रेडियो एक्टिव, दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है। यदि कोई, यदि ये हम जीवाणु भोजी लेते हैं, क्या है ये, यदि कोई हम जीवाणु भोजी लेते हैं, इस जीवाणु भोजी जो क्या है, ये एक वायरस है, ये क्या है, बैक्टीरियो ठीक ना, फेज वायरस है, क्या है, ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस का गुण क्या होता है, ये अटैक करेगा तो किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। इसका जो होता है बाहरी आवरण ठीक ना, ये किससे निर्मित होता है, ये प्रोटीन से निर्मित होता है, ये चीजें आपको याद रखना है। अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, या अभी तुमने सिद्ध नहीं किया तो ये क्या है, ये डीएनए मान लीजिए है। इतनी बात सुन रहे। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये किया कि यहाँ पे हम ऐसे सिद्ध कर रहे हैं ठीक। उन्होंने सबसे पहले एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में इसका, ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है। इसको क्या किया उन्होंने, इन्फेक्टेड करवाया। इन्फेक्टेड किससे करवाया ठीक ना, ये बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड करवाया। और इस बैक्टीरियोफेज को ऐसे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड करवाया जिसका प्रोटीन कोट ठीक ना, रेडियो एक्टिव था, कैसा, S-35। ये का प्रोटीन कोड क्या है, रेडियो एक्टिव, क्या, S-35 है ठीक ना, इस क्या है, ये प्रोटीन है। इतनी बात समझाई। अब इन्होंने इसके क्या करवाया, इन्फेक्टेड करवाया। ये पहला क्या है, इन्फेक्शन करवाया ठीक है ना। अब हुआ क्या कि अगर इन्फेक्टेड करवा दिया गया तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है ठीक है, ब्लेंडिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको साफ कर दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए सारी चीजें ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया हुआ है, अच्छा इसको एक बार आप देख लीजिए फिर मैं तुरंत साफ करूं। चलिए, बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको पता चल गया होगा। बैक्टीरियोफेज में डीएनए और प्रोटीन दो चीजें पाई जाती है। सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया था, इन्फेक्शन करवाया था। इन्फेक्शन जो करवाया था, कैसे, बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को करवाया था। चलिए, ए इन्फेक्टेड हो गया,
अब क्या करना है, ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, शेकिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, शेकिंग मतलब हिलाना। हिलाने से क्या होगा कि मान लीजिए ये क्या है, ये वायरस था, बैक्टीरियोफेज था, ये बैक्टीरिया था, ये इससे अटैच हुआ तो इसका भी जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो इसके अंदर इंटर कर गया। जब इसके अंदर इंटर कर गया तो इन्फेक्टेड हो गया। जब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी एक प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोफेज इससे अलग हो जाए। थोड़ा सा बात समझ में आ रही है, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये बैक्टीरियोफेज क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा बैक्टीरिया से। इसी के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। बात समझ में आई, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्लेंडिंग करवा रहे हैं। ठीक, ये बैक्टीरिया है, ब्लेंडिंग करवाया था हमने, तो ये बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, अलग हो गया यहाँ से। ठीक है ना, ये देख लीजिए गैप हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे गैप नहीं, यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है, और इसका कुछ से मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इंटर कर गया, लेकिन ये पता नहीं क्या इंटर किया, डीएनए किया है कि इसमें प्रोटीन किया भी, ये पता नहीं है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन आता है। क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटीन है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा इसका, और इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, पहले इसको सुन लीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पे ऐसे दो प्रश्नली रहेगी, दो ऐसे प्रश्नली होगी। ठीक है ना, ऐसे दो प्रश्नली रहेगी, इसको हम मानक स्पीड में घुमाते हैं, ऐसे मानक स्पीड में खूब तेजी से घुमाएंगे, और जब घुमाते हैं इसमें मानक स्पीड में, तो जो इसका प्रोटीन कोट होगा वायरस का, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और जो बैक्टीरिया होगा इससे भारी होगा वायरस से, तो क्या होगा, ये पेदी में आ जाएगा ऐसे। बात समझ में आ रही है, तो जब ऊपर आ जाएगा और पेदी में आ जाएगा, उसके बाद क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी यदि हमको ये ऊपरी वाले तल से आ रहा है, ऊपरी वाले भाग से आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बैक्टीरिया है। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया यहाँ पे आया है, तो बैक्टीरिया कैसा है, इन्फेक्टेड है। जब बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है और रेडियो एक्टिविटी जब हम चेक करें, तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और रेडियो एक्टिविटी इसमें क्या थी, प्रोटीन पे थी, तो यहाँ पे सीधा सीधा बात ये हुआ कि प्रोटीन ऊपर आया है, ना कि यहाँ पे आया है। जब प्रोटीन ऊपर रह गया, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है ना, तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। समझ में आई बात, फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, रिपीट करके आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो ये क्या हो गया, जीवाणु भोजी जो था, बैक्टीरियोफेज बहुत दूर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम ज्यादा दूर नहीं बना पाए, लेकिन चलिए और दूर कर लिए थोड़ा सा। ठीक, जब और दूर करिए, अब ये क्या है, एक ई कोलाई है, ये क्या है, ये ई कोलाई है, बैक्टीरिया है। ठीक, ये क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है। इतनी बात समझ आई, बैक्टीरियोफेज हो गया, ये ई कोलाई हो गया। हमको अब रेडियो एक्टिविटी कहाँ से मिल रही है, ठीक है ना, ऊपर मिल रही है, तो बैक्टीरियोफेज कहाँ था, ऊपर था, ना कि पेदी में। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे नहीं आया है। ठीक ना, कौन नहीं आया, जेनेटिक मटेरियल का मतलब प्रोटीन नहीं आया, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। चलो दूसरी प्रोसेस पढ़े, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जो कन्फ्यूजन होगा दूसरे वाले प्रोसेस में समझ जाएगा। ठीक है ना, सेम यही सारी चीजें करनी है। करना क्या है, ये यहाँ पे हम लेंगे, अब P32 लेंगे, मतलब डीएनए रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हम एक बैक्टीरियोफेज ले रहे हैं, ठीक, ये इसका डीएनए है, क्या है, डीएनए है, डीएनए पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी है, क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक, क्यों रेडियो एक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, फास्फोरस 32 हमने डाला हुआ है, इस पे ग्रोथ करवाया इसको।
ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, ए ई कोलाई बैक्टीरिया हमने ले लिया, इसका ये डीएनए है। हमने क्या करवाया यहाँ पे, सबसे पहले इन्फेक्शन करवा दीजिए, चलिए यही प्रोसेस करवाया, इन्फेक्शन करवाया इसका। अब है कुछ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या अभी पता नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल हो यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इन्फेक्टेड हो गया। अब ये बैक्टीरिया कैसा है, इन्फेक्टेड है, ठीक ना, बैक्टीरिया कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा, अब हम दूसरा प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग का मतलब क्या कि ये जीवाणुभोजी जो है, ठीक ना, बैक्टीरियोफेज जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब इससे दूरी बना लिया, ठीक। अब इसका इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक ना, क्या है वो पता नहीं है, वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आया। उसके बाद क्या होगा, अब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने क्या कहा था कि एक ऐसे परख नली लेंगे और यहाँ पे इन दोनों को डाल रहे हैं, जब इसको मानक की स्पीड में घुमा रहे हैं तो बैक्टीरियोफेज क्या कहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर आ जा रहा है, ऊपर तली में, और बैक्टीरिया कहाँ पे, इसके पेदी में आ रहा है। अब रेडियो एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, यदि रेडियो एक्टिविटी चेक करते समय यहाँ से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी चेक करते समय यदि यहाँ से आ रही है, इसका मतलब क्या था कि हमने क्या किया था, डीएनए में रेडियो एक्टिविटी डाली थी, यहाँ पे एक्टिव एक्टिवर कौन सा था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, और रेडियो एक्टिविटी कहाँ से पाई जा रही है, यहाँ से पाई जा रही है, बैक्टीरिया जहाँ पे वहां से, यहाँ से तब ये सिद्ध हो जाता है कि रेडियो एक्टिविटी यदि डीएनए में पाई गई और यहाँ पे बैक्टीरिया में भी, जहाँ बैक्टीरिया वहां से भी रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही है, तो सीधा सीधा मतलब हुआ डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डीएनए हो गया, डीएनए किसका हो गया, बैक्टीरियो बैक्टीरियो फेज का, ठीक ना, ये बैक्टीरियो फेज का डीएनए हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया, कंफर्म हुआ भैया, समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, कवर हो जाएगी सारी चीज़ें, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक ना, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें।